दोस्तों नमस्कार। आमतौर पर देखा गया है कि टीमें जितना अच्छा प्रदर्शन करती हैं उनकी ब्रांड वैल्यू में उतना ही सुधार होता है। हम आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि टीमों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होता लेकिन ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। जी हाँ, आरसीबी की टीम जो कभी चैंपियन नहीं बन पाई है आईपीएल में, उसकी ब्रांड वैल्यू इस समय जो है दूसरे नंबर पर है, और टॉप पर जो है चेन्नई सुपर किंग्स है जिसका प्रदर्शन भी बहुत आला दर्जे का रहा है, 5 बार की चैंपियन है। लेकिन मुंबई इंडियंस भी 5 बार की चैंपियन है जिसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी गिरकर तीसरे नंबर पर आ गई है। तो इस वक्त चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो उनके पास $212 मिलियन की उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, यानी करीब करीब 17 अरब 46 करोड़ रुपए की ये बनती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आरसीबी की टीम है, विराट कोहली की आरसीबी की टीम, $195 मिलियन यानी करीब करीब 16 अरब जो है 6 करोड़ रुपया इसकी ब्रांड वैल्यू है, 16 अरब 6 करोड़ रुपया। और मुंबई इंडियंस 15 अरब और 65 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है। उसके बाद की टीमों की बात करें तो केकेआर की टीम 2 बार चैंपियन बनी है, इसकी ब्रांड वैल्यू 4th नंबर की है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का नंबर आता है, फिर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आती है, फिर राजस्थान रॉयल्स का नंबर आता है, और फिर उसके बाद 8वें नंबर पर आती है गुजरात टाइटंस की टीम, और 9वें नंबर पर पंजाब किंग्स, और 10वें नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रदर्शन सबसे खराब है, क्योंकि ये टीम अभी एंट्री इसकी जो है अभी 2 ही आयोजनों में हुई है, 2 आयोजनों में ये उतरी है, और गुजरात टाइटंस की टीम भी 2 आयोजनों में ही उतरी है। लेकिन इसीलिए इनको इनकी ब्रांड वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि अन्य टीमों की जो पहले लगातार भाग लेती रही हैं, उसका उन्हें निश्चित तौर पर लाभ मिला है। और लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर हम बात करें तो ये टीम तो दोनों मौकों पर ही जो है इसका प्रदर्शन जो है अच्छा रहा, और दोनों बार प्लेऑफ में पहुंची है टीम, लेकिन ब्रांड वैल्यू के मामले में ये 10वें नंबर पर है। और वहीं अगर हम देखें तो जो दर्शक कहाँ ज़्यादा जुड़े हैं वो आईपीएल में तो रिकॉर्ड टूट गया है। 2023 में काफ़ी दर्शकों की संख्या थी, स्टार स्पोर्ट्स पर और जियो सिनेमा पर इसका प्रसारण हुआ था, और एक अलग ही मुकाम तक पहुंच गई थी दर्शकों की संख्या। और इसके अलावा अगर हम ब्रॉडकास्टिंग फीस की बात करें प्रति मैच की, तो उसमें NFL पहले नंबर पर है, यानी नेशनल फुटबॉल लीग अमेरिका की, और दूसरे नंबर पर फीस के मामले में आता है IPL। जी हाँ, IPL का नंबर दूसरा है। तो इस तरह से ये जो घटते बढ़ते क्रम है ये बहुत ही लुभावने होते हैं, बहुत ही रोमांचित करने वाले होते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले IPL तक इस घटते बढ़ते जो समीकरण है ब्रांड वैल्यू के, इसमें जरूर कुछ बदलाव आएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कितना बदलाव आएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।